हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिनाटा केक की रेसिपी, होममेड केक जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत हमको है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ली हूँ यहाँ पे 4 पैकेट्स ओरियो बिस्किट्स, ये चॉकलेट फ्लेवर का है और ये 10 वाले हैं। तो अब हम ले लेंगे एक प्लेट और इसमें हम सारे बिस्किट्स को निकाल लेंगे, यानी कि 4 पैकेट है ना, 4 पैकेट को हमको यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये सारे बिस्किट को हमने पैकेट में से निकाल लिए हैं और अब हम इसमें से एक बिस्किट उठाएंगे और जो इसमें क्रीम है उसको हमको अलग कर देना है, उसको हमको बिस्किट के साथ ग्रेंड नहीं करना है। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपके बच्चे इसे खाना चाहे या फिर आपका ही मन ना हो जाए, तो इस तरीके से आप सारे क्रीम को बाहर निकाल लें और बिस्किट आप अलग कर दें। तो ये देखिए सारे बिस्किट हमने निकाल के और अलग कर लिए हैं। इधर आप देखिए कुछ चॉकलेट फ्लेवर का भी क्रीम हमारा निकला हुआ है और व्हाइट वाला भी निकला है, तो दोनों को मैं अलग अलग रखी हूँ। अब बिस्किट को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो ये सारे बिस्किट मैं तोड़ के तैयार कर चुकी हूँ। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उस जार में हमको सारे बिस्किट डाल करके और इसको हमको एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो देखिए इस तरीके का मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप इसका पाउडर बना लें। अब हम ले लेंगे एक प्लेट और उसमें रखेंगे एक छन्नी और उस छन्नी में हमको इसको छान लेना है। ये छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप छानना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगर कोई लम्स हो तो बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से आप छान के ही और केक को तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने छान करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा बिस्किट का टुकड़ा इसमें आया हुआ है, इसको हम अलग कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल फ्रेश छान करके और तैयार हो गया बिस्किट। अब हम ले लेंगे मोल्ड। तो मैं यहाँ पे मोल्ड ली हूँ, ये हार्ट शेप का है। आप चाहें तो किसी टिफिन में या फिर किसी भगोने में या फिर आप कढ़ाई में, तीनों में किसी भी चीज़ में आप इस केक को बना सकते हैं आसानी से घर पर। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मोल्ड नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना मोल्ड का भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे मोल्ड ली हूँ और इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा ऑयल, घी, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप ऑयल से ग्रीस कर लें। सच्चाई तो ये है कि इसको हाथ से ही आप लगा लें, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल की हूँ, आप हाथ से भी इसे लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ली हूँ बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर लें और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा उसको झाड़ के आप निकाल दें। तो देखिए ये हमारा ऑयल लग चुका है और मैं यहाँ पर बटर के पेपर को अब उसी शेप का मैं काट रही हूँ, यानी कि हार्ड शेप का, इसको काट के हमको तैयार कर लेना है। तो बटर पेपर में से मैं बिना वो प्लास्टिक होता है ना उसमें, वो बिना निकाले ही मैं इसको काट रही हूँ ताकि ये टाइट रहेगा तो इजिली कट के और तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको अलग कर दूंगी जो उसमें पनीर लगा हुआ है और मैं इसको मोल्ड में लगा लेती हूँ बटर पेपर को। देखो देखिए ये सेट हो गया। अब बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा हमको ऑयल लगा के और इसको ग्रीस कर लेना है। तो ये मोल्ड हमारा तैयार हो गया है केक बेक करने के लिए और अब हम बना लेते हैं बैटर केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिस्किट को डाल देती हूँ और अब यहाँ पे हमको चाहिए नॉर्मल दूध, यानी कि रूम टेम्परेचर का, आप गाय का, भैंस का, कोई भी आप दूध ले लेते हैं, दूध को भी आप छान करके ही लें और रूम टेम्परेचर का ही आप दूध लें, या फिर अगर लेना है तो हल्का गुनगुना लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो मैं एक मीडियम साइज का बाउल ली हूँ, उसी में दूध ली हूँ। थोड़ा थोड़ा आप दूध को डालते जाइए और बैटर को तैयार करते जाइए, आपको एक ही बार लगातार दूध इसमें नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। तो देखिए अभी थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है तो मैं इसमें अब चम्मच के सहायता से मैं इसमें दूध डालूंगी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच और दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी अगर बड़े चम्मच से बोलूँ तो सारे दूध हमारे 4 से 5 चम्मच यहाँ पर मैंने दूध इस्तेमाल किया है। तो देखिए बटर हमारा तैयार हो गया, इस तरीके का हमको बटर रखना है। अब हम बटर को यहीं पे छोड़ देते हैं और चलते हैं हम गैस के पास। तो गैस पे सबसे पहले हमको एक पुराना तवा ले लेना है या फिर जो भी आपके पास तवा हो इस तरीके का आप रखें इसको गैस पर और इसको प्रीहीट होने के लिए छोड़ दें कम से कम 5 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर एक इनो का पैकेट ली हूँ, ये करीब 1 चम्मच के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर दें उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच दूध इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अब हम इसको रख देंगे तवे के ऊपर। और अब आप ले लें एक बड़ा सा बर्तन जो कि अच्छे से मोल्ड को ढक सके, बिल्कुल भी खुरा नहीं होना चाहिए और बार बार आपको इसको चेक भी नहीं करना है। अब देखिए इधर मैं दोनों क्रीम ले ली हूँ, जो ब्राउन कलर का है वो भी और जो व्हाइट है वो भी। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इस क्रीम में सब कुछ पहले से ही पड़ा हुआ है इसलिए हमको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पाउडर शक्कर डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म दूध। आप देखिए एक छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गर्म दूध और इसको हम एक को पहले हटा देते हैं, मैं एक को कर लेती हूँ इस तरीके से, पहले स्पून से कर लेंगे। फिर आप एक विस्कर ले लें और उसकी सहायता से इसको अच्छे से आप घुमा घुमा करके इसको इस तरीके से मेल्ट कर लें। तो देखिए हमारा तैयार हो गया, अच्छे से हमारा क्रीम बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ा सा फ्रिज में सेट होने के लिए, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं और जो ब्राउन कलर का हमारा है क्रीम उसको भी मैं यहाँ पे उसी तरीके से करके और इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ क्रीम को। ज़्यादा हमको यहाँ क्रीम की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको सिंथेटिक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ केक बनाना, जो आपका घर में आसानी से बन के तैयार हो जाएगा और हर कोई बना सकता है। तो देखिए ये क्रीम भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पाउडर शुगर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ, जबकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। तो देखिए इसलिए मैं व्हाइट वाले को बिना शुगर का बनाई हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं शुगर डाल रही हूँ। अब इधर मैं चेक कर लेती हूँ केक हमारा तैयार हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं केक हमारा बेक हो चुका है और इसको मैं एक नाइफ की सहायता से चेक करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन निकला हुआ है, यानी कि केक हमारा बेक हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम उतार के नीचे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे मैं मिल्की बार चॉकलेट ली हूँ, ये 250 ग्राम हमारा मिल्की बार चॉकलेट है। यहाँ पे हमको इतना ही इस्तेमाल करना है। इसको हम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और गैस पे हम रखेंगे एक पतीला या फिर चाय का सस्पेन, आप कुछ भी रख सकते हैं। और पानी इसमें आप थोड़ा ही डालें ताकि जिस बर्तन में आप चॉकलेट रखे हैं वो इस पानी से टच ना हो। पानी के ऊपर ही हमको इसको भाप से ही मेल्ट करना है, पानी में बिल्कुल इसको टच नहीं करना है। और इस तरीके से आप स्पून की सहायता से घुमाते रहेंगे गोल गोल, तो ये मेल्ट हो जाएगा देखिए इस तरीके से। और अब गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दें और पानी के ऊपर ही आप चॉकलेट को छोड़ दें। इधर देखिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का पिनाटा का मोल्ड है, ये आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब हम चॉकलेट को इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम आसानी से फैला लेंगे स्पून की सहायता से। आप स्पून से ही फैला सकते हैं या फिर आप हाथों से इस तरीके से आप घुमाएंगे तो इजीली ये सेट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए हम घुमा करके इसको सेट कर लिए हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रिज में हम इसको रख देते हैं और इधर देखिए अब केक हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसको मैं अब हाथों से आप देख रहे हैं कि मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये अलग हो जा रहा है मोल्ड से। तो इसको अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं चारों तरफ से। एक आप एक नाइफ ले लीजिए और उसकी सहायता से आप इसे डिमोल्ड कर लीजिए साइड साइड से ताकि आपको निकालने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके से ये मैं सारा डिमोल्ड कर ली हूँ। अब मैं एक प्लेट ले लूँगी और इसके ऊपर हमको प्लेट को लगा लेना है और इसको हमको उल्टा करना है और हाथों से थोड़ा सा इसको हमको टैप करना है तो ये केक आपका निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा केक बाहर आ गया। अब हम इसमें जो बटर पेपर लगाए हैं उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे इस तरीके से। आप बटर पेपर को निकाल लें तो केक हमारा देखिए कितना बढ़िया बन करके और तैयार हो चुका है और बहुत बढ़िया ये बेक भी हुआ है। आपको बेक करने में कम से कम 35 से 40 मिनट लग सकते हैं या फिर टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि गैस के फ्लेम और बर्तन के अकॉर्डिंग ये बेक होता है, तो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं इधर एक थाली ले ली हूँ और थाली के ऊपर ही हमको इसको रखना है केक को डेकोरेट करने के लिए। हमको यहाँ पे ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है फ्रेंड्स क्योंकि ओरियो बिस्किट तो अपने आप में ही एक फ्लेवर है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्पैचुला ली हूँ, ये सभी के घरों में होता है तो इस तरीके आप स्पैचुला ले लें। और मैं यहाँ पे जो चॉकलेट फ्लेवर का जो क्रीम हमारा है वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो साइड साइड से मैं इसे ही लगा रही हूँ। डेकोरेट आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रीम साइड साइड से लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं।
और ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तब तक इधर मैं एक कटोरी ली हूँ और इसमें मैं छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें पानी ऐड की हूँ और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच शुगर और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी शुगर सिरप बनाने के लिए। ये हमारा शुगर सिरप है। तो ये देखिए बन करके वो तैयार हो गया। अब मैं केक को बाहर निकाल लेती हूँ और सबसे पहले केक के ऊपर मैं इसे ब्रश की सहायता से जो बना करके वो तैयार की हूँ ना शुगर सिरप वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इस तरीके से इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डेरी मिल्क का चॉकलेट ली हूँ और ये मैं 4 पैकेट यहाँ पे ली हूँ। इसको भी मैं छील करके और उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने मोल्ड तैयार किया था ना उसी तरीके से इसको भी हमको मेल्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे भी इसी तरीके से तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे मैं पानी पे रख करके और फिर उसी तरीके से मेल्ट कर लूंगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल उसी तरीके से। कुछ अलग तरीका नहीं है, सेम वही तरीका है। तो इसको मैं डाल करके और चम्मच से उसी तरीके से इसको मेल्ट कर लूंगी यहाँ भी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो देखिए हमारा मेल्ट हो चुका है और केक भी मैं यहाँ फ्रिज में से बाहर निकाल ली हूँ। तब हम केक के ऊपर इस मेल्टेड चॉकलेट को डाल देंगे इस तरीके से और यहाँ पे आपको स्पून वगैरह नहीं लगाना है। आपको इसको बस हिलाते हुए इसको सेट कर लेना है। आप थाली उठाइए और इस तरीके से आप हिलाते रहेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अगर आप स्पून लगाएंगे तो फिर आपका केक खराब हो जाएगा, इसलिए आपको इस तरीके से ही हिलाते और सेट कर लेना। देखिए मैं यहाँ पे सेट करके और आपको दिखा भी रही हूँ। अब इधर मैं मोल्ड निकाली हूँ फ्रिज से और मैं अब इस पे सेकेंड कोट का वो मेल्टेड चॉकलेट लगा रही हूँ जो मैं पहले बार लगा चुकी थी। उसमें का आधा मेरे पास बचा हुआ था और गर्म पानी के ऊपर ही मैं उसको रखी थी, वही मैं यहाँ पे फिर दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये ऑलरेडी ठंडा है मोल्ड हमारा, तो ये लगाते ही सेट होने लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको फ्रिज में तो रखना ही होगा। तो मैं और इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ दोबारा और इसको मैं छोड़ दूंगी। तब तक मैं इधर केक का डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे एक पनीर ली हूँ फ्रेंड्स। ये पनीर आपको इजली मिल जाएगा दूध की डेयरी से, क्योंकि दूध आता है तो उसी में दूध आता है इसी पनीर में। तो मैं यहाँ पे उसी को धो करके और मैं यहाँ पे रख ली थी। और थोड़ा सा आप इसको कट लगा दें साइड से जैसे मेहंदी का कोन काटते हैं उसी तरीके से काट लेना है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे क्रीम, 2 चम्मच मैं यहाँ पे क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसको सेपरेट करते हुए पन्नी को हम उठा लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे रबर बैंड आता है वो भी आप इसे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे आप एक गांठ लगा दीजिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे गांठ लगा दी हूँ। अब इसके ऊपर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। आप अगर नॉर्मल केक बना रहे हैं, बर्थडे केक बना रहे हैं तो भी इसे बना सकते हैं। अगर लिखना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो विदाउट लिखे हुए भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं हल्का फुल्का डेकोरेट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर में काम भी है, इतना टाइम थोड़ी मिलता है डेकोरेट करने का। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे डेकोरेट कर लें। और यहाँ पे देखिए मैं ये घर में ही कोन तैयार की थी उसी में मैं नोजल इसमें लगा दी हूँ। नोजल भी मैं घर में ही बनाई थी, मैं किसी दिन आपको इसकी वीडियो डाल दूंगी फ्रेंड्स, नोजल का और इसका दोनों का। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसमें क्रीम डालती हूँ, जो भी हमारे पास बचा हुआ क्रीम था व्हाइट वाला उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और उसी से मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ। हल्का फुल्का डेकोरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा बन के और तैयार है केक। अब ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा चेरी लगा दूंगी, मेरे पास चेरी था तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अगर आपके पास चेरी नहीं हो तो आप जिस तरीके से भी डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ और फ्लावर भी मैं घर में ही बनाई थी, तो देखिए फ्लावर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो घर में केक बना के तैयार सकते हैं फ्रेंड्स, और वो भी बिल्कुल कम पैसे में। बस आपका बिस्किट का पैसा यहाँ पे लगने वाला है, बाकी कोई पैसा आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो ये देखिए केक हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए और मोल्ड अब मैं यहाँ पे बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हाथों से मैं प्रेस कर रही हूँ तो मोल्ड हमारा जो है अलग हो जा रहा है। तो देखिए अब मैं इसको बैक साइड से कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, जो कि इजली अच्छे से ये निकल जाए। तो आप इस पे जोर जबरदस्ती ना करें, आप इसको हल्के हाथों से इसे आप निकालें, नहीं तो चॉकलेट टूट जाएगा जिसका हम पिनाटा बनाए हैं। तो देखिए हमारा पिनाटा केक बाहर निकल गया है और आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी क्रैक्स नहीं हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया से बन के और ये तैयार हुआ है पिनाटा हमारा। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी कुछ हल्का फुल्का डेकोरेट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डेकोरेट नहीं करी हूँ। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ।
आप इसको रखें केक के ऊपर और अपने बच्चों को आप इसे खुश कर सकते हैं, इसके अंदर चॉकलेट रख करके, या फिर आप कोई भी आप सरप्राइज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर छोटा सा एक केक ही बना के आप सरप्राइज दे सकते हैं बच्चों को। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, मुझे तो तोड़ने का मन नहीं हो रहा है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए तोड़ना तो पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया केक हम घर में बना कर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो आप मेरा कंप्लीट देखा करें फ्रेंड्स, और पसंद आने पे एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।